कृषि प्रधान देश है और हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर में व्यापार, व्यापारी और किसान, इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इनकी जोड़ी है, इनका जो समन्वय है, उस पर ये पूरी इकोनॉमी टिकी होती है। व्यापारी वर्ग जो है वो किसानों की हितों की रक्षा करता है, उन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार सुविधाएं, पैसा, खाद बीज उपलब्ध करवाता है, और किसान जो है वो फसल लेकर आता है तो व्यापारी का भी, उसकी दुकानदारी जो है वो भी चलती है। तो इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा गठजोड़ होता है जिससे ये अपनी इकोनॉमी जो है निर्भर करती है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ सभी व्यापारिक बंधुओं से कि जब भी ये फसल का टाइम होता है, इस टाइप की शिकायतें आती है कि तौल में, जैसे अभी अखबारों में आया था कि तौल में कम तौल दिया या एक्स्ट्रा वजन कर दिया, इस टाइप की शिकायतें कृषि से संबंधित आती रहती है। मंडी से आप सबसे ये अपेक्षा है कि किसानों का हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जींस का भाव मिले, उनकी जींस की केयरिंग हो, उन्हें समय पर पैसा मिले, समय पर उनकी जो बोलने की प्रक्रिया है वो सब कुछ पारदर्शितापूर्ण हो और सब मिलजुल करके आपस में कोऑपरेट करते हुए खेती जो है उसको प्रेरित करें। डीएपी जैसे लोअर में कल पकड़ा है, तो आप भी किसानों को, क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको पता नहीं होता कौन सी दवाई निकली है, कौन सी असली है, आपके साथ जो है कंपनी के जो एजेंट है वो दे करके जाते हैं। तो किसानों को जो भी चीज़ मिले वो अच्छी मिले, वाजिब रेट पर मिले और सही उनको गाइडेंस जो है वो भी सही मिले, यही आप सबसे अपेक्षा है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे व्यापार मंडल ने आमंत्रित किया, इसके लिए साधुवाद। व्यापार मंडल समिति द्वारा ये जो दूरभाष निर्देशिका का प्रकाशन का जो प्रोग्राम है, इस प्रकाशन के लिए मैं व्यापार मंडल समिति समीरिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये दूरभाष निर्देशिका व्यापारियों और किसानों के बीच में, क्षेत्र के अपने प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जो संपर्क साधने का काम करती है उसमें बहुत आसानी रहती है। व्यापार मंडल समिति संग्रिया द्वारा क्षेत्र में बार बार जो सामाजिक सरोकार के जो कार्य किए जा रहे हैं उससे आप भलीभांति परिचित हैं। जनवरी माह में जैन साहब की अध्यक्षता में जो विकलांग शिविर लगा, उसमें 1100 के लगभग विकलांगों को जो वितरित किए गए, उनके साथ आने वालों के लिए खाने पाने की, रहने की जो बढ़िया व्यवस्था की गई वो बहुत ही सराहनीय काम था। और ये व्यापार मंडल समिति संज्ञा आगे इसी प्रकार बढ़िया काम करती रहे, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा श्री कैंप कराया और गेहूं का टाइम में जो प्रतिरोध पैदा हो गया, मैंने सही करो और सारा काम बहुत ही बढ़िया करे। और आगे अब अली डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी, जो वो रिटर्न पावर और रिटर्न वर्ड है वो एक कमाल की चीज़ है। और मैं तो पूछते हैं एक डायरेक्टरी के अलावा भी और भी चीज़ आता है, जहाँ अंग्रेज होता है गैजेट लिखता हर साल हर महीने एक रिकॉर्ड रहता है, तो शहर की जी मेन गतिविधियाँ पर रिकॉर्ड भी एक संदर्भ धारण करे जाए, जो अपने हिस्ट्री कंपाइल हो जाएगी शहर की, वह भी होनी चाहिए, वह बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजों के टाइम में तो गजट बोल दो, हर कलेक्टर लिख दो गजट। तो एक बार क्या है, जब एक अंग्रेज कलेक्टर ने पोस्टिंग होगी अमृतसर के वहाँ, तो वाइसराय की पोस्टिंग कर दी, तो वाइसराय बोले भी इतना पंजाबी को नहीं आना रही, तो लोगों से कनेक्ट किया करती हूँ, बाकी ग्रीवियंसिस लोगों की कॉल, हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल वांट। तो मैं सर मैं सीख लूँगा, तो बाकी पंजाबी ट्यूटर रख दिए मेरी, ठीक है ट्यूशन लगाओ। तो वाइसराय साहब कह रहे 3 महीने बाद मैं दोबारा आऊँगा, मैं तो राउंड के ऊपर मैं चेक करा कलेक्टर साहब की किसी पंजाबी है, तो 3 महीने बाद कलेक्टर साहब आया राउंड के ऊपर, सारी चीज़ें रिस्पेक्ट कर ली, देख ली, फिर लास्ट में आया कहीं ओके कलेक्टर साहब सारों की ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट व्हाट अबाउट योर पंजाबी, हैव यू लर्न पंजाबी और नॉट। वो कह सर मैं तो सीख ली सारी, तो क्या ठीक है, पर वही थोड़ा साहब थोड़ी शाही ली और मेज पर ढोल दी, अभी इन्हें पंजाबी में कहेगा, जरा वो क्या हुआ आ शाही किन्ने डोली है कलेक्टर साहब की,
कहने की ना पंजाबी बोली थी, दिस इज नॉट द पंजाबी दैट आई हैव हर्ड पीपल स्पीक इन द इंटरलैंड। गाँव में उन्होंने जगह लोगों पंजाबी में सुनी, वहाँ पंजाबी बोली आ रही तो अभी तरह पूरी आई बोली। मैं ट्विटर ने बताया होगा अभी 3 महीने ने और ट्रेन दिया प्रैक्टिस साल में, 3 महीने बाद मैं फिर आऊँगा रोड पर तो फिर चेक कराँगा ना पंजाबी आवे कि नहीं। तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद गुजर गया, वाइस वाइस साहब को फिर राउंड लगा अमृतसर, सारी चीज़ें फिर भाई चेक करी, फिर गई फिर प्रैक्टिस साल के चलो सारों की ठीक है, यू आर वर्किंग ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट देन अगेन आई यू लर्न पंजाबी कि हाँ मैं सीख ली चल बताओ, फिर बार फिर भाषा ही बोलनी जरा वो गए वो ये मेज दी ऐसी तेजी कहने की है क्या वहाँ पंजाबी आई है तो ये नहीं करके जो रिटन वर्ड है चाहे कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए चाहे कितनी ही आप एडवांस हो जाए चाहे कितनी डिजिटल युग आ जाए जो पार्ट ऑफ द रिटन वर्ड है वो रवे वो एक इतिहास है डॉक्यूमेंट है दस्तावेज है। मैं बड़े कच्छ में गया बड़े हिस्ट्री बड़ा जब तैमूर का टाइम है जब पुराना टाइम मतलब ऐतिहासिक जी डॉक्यूमेंट है जो शेर शाह सूरी का टाइम है और म्यूजियम में लिखा पड़े हैं तो डिजिटल है तो मिट जाएगा डिलीट हो जाएगा पर रिटन वर्ड है बोल रहे वो तो आज की स्वर्गा डायरेक्टर जी की बनाई है एक ऐतिहासिक चीज़ है डॉक्यूमेंट है जब तक रहेगी सारा याद रहेगा। तो मैं एक मेरे को निवेदन है भी हर एक शहर का मैं अगर व्यापार मंडल एक अच्छी सूझवान लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक कंपाइलेशन होनी चाहिए हिस्ट्री की भी प्रमुख जगह इवेंट होया साल में शहर में के डेवलपमेंट हुई कौन आयो कौन चीफ गेस्ट आयो के प्रोग्राम होया तो मांगू भी एक हिस्ट्री एक आप देखा जो को एक रजिस्टर हो जी आपने के लिए एनुअल एक गजट हो जी शहर में ताकि लोगों ने आने वाली जी पी डी एम पता रहे भी शहर में क्या हो एक हिस्ट्री को एक डॉक्यूमेंट हुआ आप लोगों ने अपना हाथ हुआ। और मैं तो हमेशा हनुमानगढ़ में तो बहुत प्रोग्राम में जाने का मौका मिले सभी कभी जी आने का मौका मिले और हमेशा ही कहते जी आवा सारा ने मिल के बड़ी प्रसन्नता हुआ है। वो जो सारा प्रांगण है वो बहुत ही शानदार जगह बने पार्किंग की बड़ी जगह है शहर के सेंटर के अंदर है और बहुत ही बढ़िया है। और जैन साहब अध्यक्ष आगे बारे में मैं कहूँ तो जुझारू एक नेक दिल और ईमानदार इंसान है जो हमेशा ही लोगों की सेवा को मैं तत्पर है चाहे और कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा था चाहे कोई भी काम करे हो हमेशा ही जैन महाराज आ रहा है कोई नहीं है वो काम है कोई सामाजिक काम है धार्मिक काम है नारा अटैक उन्हें हमेशा आगे रहे सारा भैया सके जब अब दिनों पहला वक्ता और भी सारा बता गई ये सारा सागे लेके चला बिल्कुल सही बात है और ये बात सारा सारा समझदार हो सारी सारे पता सारा ने पूरा छो है आज है आगे सारा मिलने को आप बात करने को मौका मिले या दिवाली भी मैं सारा सारा ने शुभकामनावा देनी चाहूँ दिवाली सारा ने खुशियाँ संपन्नता लेके आवा सारा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।